एंड यू वॉचिंग एक्सपोज इंडिया। हरियाणा के युवा पूरे देश में राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए भाईचारे का संदेश लिए सोमवार को लखनऊ पहुंचे। लखनऊ पहुंचकर हरियाणा के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में हरियाणा स्वर्ण जयंती की याद में एक पौधा भी लगाया, साथ ही हरियाणा आने का एक निमंत्रण पत्र भी सौंपा। लखनऊ से पटना रवाना होने से पूर्व निफा अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह ने कहा कि निफा ने देश की युवा शक्ति को एक सूत्र में पिरोने का बीड़ा उठाया है। हरियाणा का ये स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है, हरियाणा की स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है, तो स्वर्ण जयंती वर्ष के अंदर राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित संस्था, जो युवा संस्था है नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट द्वारा पूरे देश में भारत एक यात्रा के नाम से एक यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें 29 युवा 29 राज्यों में 31 दिनों में बाय रोड 15,000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए जा रहे हैं। इस यात्रा के दो मुख्य उद्देश्य हैं, एक है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और युवा शक्ति को जो है एक कड़ी में पिरोना, ताकि युवा शक्ति इकट्ठा होकर देश के लिए समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर पाए। और दूसरा हमारा जो हरियाणा स्वर्ण जयंती में निफा की ओर से मुख्य कार्यक्रम हरियाणा में हो रहा है 21 अक्टूबर से 29 अक्टूबर, उसका न्योता हम लोग दे रहे हैं पूरे देश में, और उसमें ये संकल्प लिया गया है कि पूरे देश के हर जिले से युवा उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, दिस इज विवेक ओबेरॉय, यू आर वॉचिंग एक्सपोज इंडिया।